दोस्तों 12 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार का कैंसर के चलते मुंबई में निधन हो गया। आने वाले याद मुझे वापस दे दीजिए। काश मैं ऐसा कर सकता सीता, मैंने तुम्हें भूलने की लाख कोशिश की मगर नाकाम रहा। मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी के दिन रात हैं। कभी नहीं आते और जिंदगी के दिन रात मुझ पर कैसे गुजरते हैं तुम जानती हो। दिन जाने लगता है तो मुझे रात के हवाले कर जाता है। राजेंद्र कुमार बहुत ही अनुशासित और आरोग्य दिनचर्या के लिए जाने जाते हैं। लाश को वक्त के रास्ते पर एक मंजिल और आगे ले जाओ। उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी जीवन में दवाइयां नहीं ली। सान हाल ही में मरा है लेकिन इसकी चिता बरसों बाद जलेगी। डॉक्टर, जाने वाले की याद आती है, याद न जाए। कुल मिलाकर भारतीय फिल्मों के अति भाव ढांचे में से राजेंद्र कुमार के रूप में एक ऐसा नायक निकल कर आया था जिसने अपने फिल्मों के जरिए हमें हंसाया और रुलाया। शायद उनके साथ दर्शकों ने अपने रुमाल ज्यादा भिगोए। देर जागा था, सोया हुआ मन रो रहा है, मजी है दुहाई। पर ये भी जिंदगी का एक रूप है। एक नायक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे जुड़े किसी दर्शन को याद किया जाए। दिल शाद था के फूल, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। फिर मुझे नरगिसी आँख जिनके गीत सावन गाए, मैं तेरा दीवाना बनूंगा। भीगी भीगी बहारों फूल बरसाओ, मेरा खिलेंगे बहार में। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर मारा गया गरीब, मेरा महबूब आया है कि तुम नाराज ना हो। दावी आसमां से जब जमी पर जीना उसका जीना है, देखता होगा खुदा भी जो औरों को जीवन देता है। मेरे ना बन पाए इतबार में बनके दीपक जलता। दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बात करूंगी उनका नाम बताने से पहले मैं चाहती हूं कि आप सुने उनका ये संवाद। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है जुबली कुमार जो थे धूल का फूल पर बन बैठे मेरे महबूब, और जब आई मिलन की बेला तो झुक गया आसमां। संगम हुआ, दिल एक मंदिर है और ये सूरज चमकने लगा, ये कोई अनजाना नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमारे दिलों में बसे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार। इनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1929 को सियालकोट में, जो अब सरहद के उस पार है। फिल्मों से उनका नाता जुड़ा विभाजन के बाद जब परिवार आया मुंबई, और जब राजेंद्र कुमार निर्देशक एचएस रवेल के सहायक बन गए। शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म जोगन के छोटे से रोल से हुई, पर सही मायनों में तूफान और दिया बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी। सचमुच राजेंद्र कुमार का करियर दिए और तूफान की लड़ाई की तरह थी। फिल्म जोगन से जो दिया जला उसे सितारा बनने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सन 1957 में राजेंद्र कुमार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नजर आए। अपने ज़माने की तमाम चर्चित अभिनेत्रियों के पीछे
लहराते हुए गीत गाने का मौका मिला था। इस अलबिले नायक राजेंद्र कुमार को आइए हम भी भीगे प्यार की इन मस्त फुहारों में और चलें उस फ्लैशबैक पर जहां है अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ अलग अलग तारिकाएं। फिल्म संगम राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला। फिल्म दिल एक मंदिर राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी। दोस्तों बात चल रही है राजेंद्र कुमार की उस मोहब्बत भरी छेड़छाड़ की जो उन्होंने रजत पट पर की थी अपने नामचीन अभिनेत्रियों के साथ। फिल्म आरजू राजेंद्र कुमार और साधना। फिल्म गोरा और काला राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी। फिल्म आई मिलन की बेला राजेंद्र कुमार और सायरा बानू। गूंज उठी शहनाई राजेंद्र कुमार और अमिता। फिल्म घराना राजेंद्र कुमार और आशा पारेख। इन सदाबहार गानों का जिक्र चल रहा है तो आपको ये बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार ने सन 1963 और 1966 के बीच लगातार 6 हिट गोल्डन जुबली फिल्में दी थी और इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इसे कहते हैं किस्मत। कुल मिलाकर अपने फिल्मी यात्रा में राजेंद्र कुमार एक ऐसे आधार रुस्तम बन गए जिसे डिगाना आसान नहीं था। एक लंबे समय तक मेलोड्रामा यानी अति नाटकिया था। त्रासदी और आंसू बहाव फिल्मों का दौर जारी रहा जिनका संगीत ऊंचे पायदानों पर टिका रहा। बीच बीच में बाद के दौर की कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई। विदम्रा देखिए कि सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार के सिंहासन को जिस रोमांटिक आंधी ने हिलाया उनका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार का बंगला भी खरीद लिया। गीतकार और निर्देशक सावन कुमार राजेंद्र कुमार को याद करके क्या कहते थे, आइए सुनते हैं। दोस्तों राजेंद्र कुमार के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हैं जो हमें भावुक कर देती है। पहले राजेंद्र कुमार एक सदाबहार नायक रहे, फिर चरित्र अभिनेता बने, फिर 80 के दशक में बने प्रोड्यूसर और अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म संसार में उतारा। फिल्म थी लव स्टोरी। आज मैं बताऊंगी कि फिल्म कानून की शूटिंग के पहले ही दिन राजेंद्र कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस फिल्म को छोड़ने का ही मन बना बैठे। बात है 1959 की। बीआर चोपड़ा राजेंद्र कुमार को हीरो लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था कानून। शूटिंग के पहले ही दिन जब राजेंद्र कुमार सेट पर पहुंचे तो लंबा डायलॉग था एक पन्ने का, एक ही टेक में बोलना था। डायलॉग देखकर घबरा गए। उन्होंने पूरे दिन कोशिश की लेकिन डायलॉग याद नहीं हुआ और ना ही सही शॉट दे पाए। रिटेक पे रिटेक होते चले गए। शाम तक शॉट ओके नहीं हुआ तो बीआर चोपड़ा ने पैकअप कर दिया। निराश हताश और परेशान राजेंद्र कुमार अपने घर पहुंचे और अपना हाल अपनी पत्नी को सुनाया। उनसे कहा कि मैं ये रोल नहीं कर पाऊंगा, सवेरे ही बीआर चोपड़ा को मना कर दूंगा। अगली सुबह राजेंद्र कुमार बीआर चोपड़ा से प्राप्त साइनिंग अमाउंट लेकर उनके घर गए और उनसे साफ साफ कह दिया कि रोल उनसे नहीं हो सकेगा, किसी और को ले लें। बीआर चोपड़ा ने यह सुनकर तुरंत अशोक कुमार को फ़ोन लगाया। अशोक कुमार इस फिल्म में जज की भूमिका अदा कर रहे थे। दादा मुनि ने बीआर चोपड़ा से कहा कि वो राजेंद्र कुमार को वहीं रोक कर रखे, अभी वहां पहुंच रहे हैं वो। अशोक कुमार आए, उन्होंने राजेंद्र कुमार को समझाया, हिम्मत बंधाई और कहा कि ये रोल सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है, हमें पूरा विश्वास है कि तुम इसे बहुत अच्छा करोगे। जाओ थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, सीन तैयार करो, सब ठीक हो जाएगा। अशोक कुमार और बीआर चोपड़ा के दिए हौसले से राजेंद्र कुमार में हिम्मत आई। पूरे दिन भर रट्टा लगाया, रात को एक नींद की गोली लेकर तनाव मुक्त होकर सो गए और अगले दिन सेट पर जब इस शॉट को देने की बारी आई तो चमत्कार हो गया। पहले ही टेक में राजेंद्र कुमार ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। फिल्म के प्रीमियर पर राजेंद्र कुमार की परफॉर्मेंस जब महबूब खान ने देखी तो चिल्लाए, कहाँ है हमारा बेटा। राजेंद्र कुमार सामने आए, महबूब खान ने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा
कमाल का काम किया है तुमने। जो कुछ किया शायद कोई कर सकता था। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कैलाश, मुझे तुम पर नाज है।